हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो आज के बिजनेस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। सो एचडीएफसी बैंक का ये जो डिस्कशन होने वाला है, सो आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस डाउन इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन हिस्सों में मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो कैटेगरी होगा जिसपे मैं बात करूंगा, इसके लिए एक बैंक का रिजल्ट कैसे आया इन Q3 FY 23, उनका एसेट क्वालिटी कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है, फिर उसके बाद उनका लोन बुक डिसबर्सल कैसा है, उनका कासा रेशियो कैसा है, एंड फिर मतलब ऑल द डेटा पॉइंट्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, उसके इंटरप्रिटेशन भी करने वाला हूँ कि बैंक का आज का स्टेट क्या है। सेकंड, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ये जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर का क्या स्टेटस है, उस पर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज दे दूंगा। और तीसरा चीज है कि एक चीज जो मैं देखता हूँ कि हर रिटेल इन्वेस्टर के दिमाग में रहता है कि मतलब एचडीएफसी बैंक का शेयर तो सबके पास होता है, लेकिन क्या आप एचडीएफसी बैंक का शेयर लेके क्या आपका जिंदगी बदल सकता है वो स्टॉक। ओके, तो उस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। सो ये तीनों हिस्सों को हम आज वीडियो में मतलब डिवाइड कर लिए। तो सबसे पहले, जैसे मैंने अपना कॉपी लेके रखा, बिकॉज सिंस एक बैंकिंग स्टॉक का डिस्कशन है, ऐसे बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, तो पहले हम एक एक करके डेटा पॉइंट, तो जो मैं ये डेटा पॉइंट्स बोलने वाला हूँ, ओके, इसको आप एक बैंकिंग का चेकलिस्ट की तरह भी देख सकते हो। मतलब कल जब कोई एक और बैंक का रिजल्ट आएगा, आप यही सारे पॉइंट्स को अगर हो सके तो इस वीडियो के साथ पेन पेपर लेके उसको मतलब लिख भी लो, तो अगले जाके कोई बैंक का एक रिजल्ट लाएगा तो ये सारी चीजें डेटा पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए। एंड देन उसके साथ अगर आप P2P एनालिसिस करते हो तो देन यू गेट अ बेटर सेंस ऑफ के फॉर एग्जांपल वो बैंक पूरे सिस्टम के अनुसार कहां पे है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो देखता हूं एक बैंक का, वो है कि उसका लोन बुक का ग्रोथ कितना हुआ, डिपॉजिट का ग्रोथ कितना हुआ, राइट। तो अगर मैं एचडीएफसी बैंक का बात करूं, उनका डिपॉजिट ग्रू ऑन अ 20% YOY बेसिस, और उनका लोन बुक भी ग्रू किया ऑन अ 20% YOY बेसिस। नाउ एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट बुक ग्रो करना है 20% इज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज आज अगर आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट्स पिछले एक साल से बढ़ते जा रहे हैं, राइट, तो सारे बैंक्स का ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है दैट इज गोइंग अप, तो ऐसे माहौल में। बट ऑल्सो ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे कि इंडिया में क्रेडिट डिमांड कतई ज्यादा है, ओके, सबको क्रेडिट चाहिए। सो अगर सोचो क्रेडिट डिमांड इतना ज्यादा है और अगर सोचो बैंक्स को डिपॉजिट नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम है, करेक्ट। तो सिंस इतना सारा क्रेडिट डिमांड है ऑन दिस साइड, इसीलिए सारे बैंक्स टूट पड़े हैं टू गेट डिपॉजिट्स, राइट, क्योंकि डिपॉजिट का ग्रोथ नहीं आया तो बैंक का तो खुद का उतना पैसा है नहीं, राइट, वो तो डिपॉजिटर का पैसा लेके ही उसको उधार देते हैं और मार्जिन पे जीते हैं, राइट। तो ये डिपॉजिट का वॉर चालू हो गया। तो उस एंगल से अगर आप देखे गए तो एचडीएफसी बैंक का जो डिपॉजिट ग्रोथ है 20% ऑन अ YOY बेसिस टू 17.3 लाख करोड़, विच इज अ कॉमेंडेबल नंबर। मतलब आई थिंक आई हैव एनालाइज मोर देन 22 बैंक्स एंड वेरी फ्यू बैंक्स जिनका साइज लेट से एचडीएफसी बैंक का 1/5 या 1/10 भी नहीं है, उनका भी डिपॉजिट बुक मैंने देखा है कि डिड नॉट ग्रो 20% ऑन अ YOY बेसिस। एंड ऑन द अदर हैंड एचडीएफसी बैंक ग्रीव एडवांसेज एट 20% ऑन अ YOY बेसिस। एडवांसेज मतलब किस रेट में लोन दिया है, राइट, टू, और अभी उनका लोन बुक बन गया है 15 लाख करोड़ के ऊपर, ओवर 15 लाख करोड़। नाउ अब आता है दूसरे वाला जगह में, हम थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का बात करते हैं। सो एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे फ्रॉम 2019 उन्होंने अपना स्ट्रेटेजी को थोड़ा चेंज किया, जब बाकी सारे फाइनेंशियल्स रिटेल में घुस रहे थे, सो एचडीएफसी बैंक को लगा कि लाइक रिटेल थोड़ा रिस्की है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो रिटेल पार्ट ऑफ द बुक है, अब रिटेल पार्ट ऑफ द बुक में क्या क्या आता है, अब देखिए रिटेल पार्ट ऑफ द बुक में से फॉर एग्जांपल आज गोल्ड लोन आता है, पर्सनल लोन आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, राइट, ये सारी चीजें, मतलब और भी चीजें हैं, मतलब फिर आपका ये जो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग है, ऑटो फाइनेंसिंग है, ये सब रिटेल बुक में आता है, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, पिछले 3-4 साल में एक कॉन्शियस डिसीजन लिया और उन्होंने अपने रिटेल बुक को घटाया और अपने कॉर्पोरेट और होलसेल बुक को बढ़ाना चालू किया। सो आई टेल यू दिस, 4 साल पहले उनका रिटेल टू होलसेल का रेशियो था टू द टोटल लोन्स गिवन वेर 55-45%, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो कॉर्पोरेट एंड होलसेल इज 55% और रिटेल इज 45%। नाउ इससे अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि एचडीएफसी बैंक का कस्टमर का क्वालिटी बेटर हुआ, बिकॉज लेट्स से रिटेल आज अनसिक्योर्ड होते हैं, राइट, और बीच में कोविड आया, बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, बहुत कुछ हो भी सकता था, तो बैंक ने क्या किया, आज सिक्योर्ड एसेट्स में शिफ्ट किया, ओके, तो अनसिक्योर्ड रिटेल से सारा शिफ्ट किया और सिक्योर्ड एसेट में गया इनटू कॉर्पोरेट लोन्स। लेकिन सोचिए जितना आपका लोन सेफ होगा, राइट, उतना आपका यील्ड भी कम होगा, राइट, तो
उस तरह से अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का पिछले 2-3 सालों में उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटते जा रहा है, राइट। 4.4-4.5% उनका था जब उनका रिटेल बुक वॉज 55%, आज वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट के 4.1 पे आ गया, राइट। तो जब कॉन कॉल में एचडीएफसी बैंक को ये पूछा गया तो श्रीनिवासन वेंकटरमन उन्होंने यही चीज बोला कि लाइक, मतलब श्रीनी ने यही बोला कि लाइक जब तक हम अपने रिटेल बुक को नहीं बढ़ाएंगे एज अ कंपेरिजन टू द टोटल बुक, ठीक है, लेट्स से 50-50 और 55-45 अगेन, तब तक उसका निम नहीं बढ़ेगा, ओके। एंड क्या होता है ना, बाजार को ये अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज क्या होता है, एचडीएफसी बैंक का एसेट क्वालिटी डिसबर्सल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है प्रॉफिटेबिलिटी में, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी का बात करूं तो उतना भी बुरा नहीं है, मतलब उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 20% से बड़ा है, ठीक है, और आई गेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कुछ 6-8% से बड़ा है। सो हैविंग सेड ऑल दैट, ठीक है, आज अगर अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊं कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को देखोगे ना, पिछले 2-3 सालों में अनलाइक एचडीएफसी बैंक, इन्होंने एकदम, मतलब एकदम रिटेल में खेला, ठीक है। अब जब वेन यू प्ले इनटू रिटेल एंड वेन यू प्ले इनटू अनसिक्योर्ड रिटेल स्पेसिफिकली, आपका निम्स गो अप। तो अगर आप एक्सिस बैंक का निम्स देखोगे ना, वो 3% से ऑलमोस्ट 4% में चला गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनका अगर आरओए देखोगे एक्सिस बैंक का, और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का आरओए और उनका निम देखोगे, वो भी आज एकदम ऑल टाइम हाई में है। मतलब क्या, मतलब उनके कंपनी में जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्रोथ है वो एचडीएफसी बैंक से कतई ज्यादा है। अगर आप एक्सिस बैंक का रिजल्ट देखोगे तो आई थिंक उनका वाईओवाई का पैड ग्रोथ इज अराउंड 60-70%, जबकि एचडीएफसी बैंक का इज 20%। नाउ यू नो वाई, राइट। लेकिन हर बैंक का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, और मेरा काम यहां पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देना कि लाइक ये अच्छा है या ये बुरा है, मुझे आपको सिर्फ ये सिचुएशन समझाना है, डिसीजन आपको लेनी है। So, अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का इसके रीजन के वजह से पिछले 3 साल में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स उतना नहीं बढ़ा। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नहीं बढ़ता ना, तो उसका स्टॉक भी उतना नहीं कुछ करता है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक का देखोगे लाइक, तो बाकी बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा बहुत कमी किया है, मतलब रिटर्न दिया है लेकिन थोड़ा बहुत कमी दिया है, ओके। तो ये बनता है दूसरा थिंग। अब अगर मैं एसेट क्वालिटी का बात करूं तो एचडीएफसी बैंक का तो मतलब लाजवाब है, ठीक है। उनका अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए वो 1.2% है, नेट एनपीए इज 0.33% है, क्रेडिट कॉस्ट उनका कुछ है ही नहीं, ठीक है। एंड दिस मतलब उनका जो प्रोविजन है दैट इज लाइक एनपीए का भी कुछ 150% है। सो पॉइंट इज, एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड डिसबर्सल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका जो प्रॉब्लम है वो है प्रॉफिटेबिलिटी एंड नीम्स के एंगल से, ठीक है। तो ये हो गया बात। और अगर आप एचडीएफसी बैंक का जो मैंने जब वो कॉन कॉल सुना तो एनालिस्ट लोगों का भी मेन क्वेश्चन यही था कि आपका निम कब बढ़ने वाला है, बिकॉज अगर उनका निम लेट्स से बढ़ के 4.1 से 4.5% में जाएगा, सो निम का क्या मतलब है, मतलब आपका नेट इनकम बढ़ेगा सबसे पहले, राइट। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का वहां पे नेट इंटरेस्ट आता है आपका जो इसमें न्यूमरेटर में, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉफिट बढ़ता है तब आपका आरओए भी बढ़ेगा, तब आपका आरओए भी बढ़ेगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक का कहना एक है कि सिंस उन्होंने रिटेल लोन से कॉर्पोरेट लोन्स में गया, ठीक है, सिंस रिटेल लोन से उन्होंने कॉर्पोरेट लोन्स में गया, तो उनका शायद निम घटा लेकिन उनका आरओए नहीं घटा। क्यों? बिकॉज कॉर्पोरेट लोन में आपका क्रेडिट कॉस्ट कुछ होता ही नहीं ऑलमोस्ट, जबकि रिटेल लोन में बहुत क्रेडिट कॉस्ट आता है, और रिटेल लोन का एनपीएस आता है ना विद अ लैग पीरियड, मतलब आज आप किसी को अगर क्रेडिट कार्ड दिया, ठीक है, तो वो एनपीए बनेगा कि नहीं वो आपको लेट्स से 6-8 महीने एक साल बाद ही पता चल जाएगा, ठीक है। सो एचडीएफसी बैंक का कहना है कि लाइक हमने अपने आरओए को प्रोटेक्ट किया बिकॉज सिंस हमने शायद अपना मार्जिन कम कमाया लेकिन हमारा कॉस्ट भी कम हुआ, सो ऑन अ नेट नेट बेसिस हमारा आरओए इज अराउंड 2%। तो कोई भी बैंक अगर आप देखोगे ना 1.5-2% के ऊपर अगर आरओए है तो वो बैंक अच्छी होती है। So, ये है सीन एक्चुअली। जबकि अगर आप देखोगे फेडरल बैंक, बजाज फाइन, आई नो वो एनबीएफसी है बट बजाज फाइनेंस, फिर उसके बाद आईसीआईसीआई हो गया, इवन अगर आप देखोगे कोटक बैंक भी जो कॉर्पोरेट में ज्यादा बुलिश था, अभी कोटक बैंक एकदम मतलब ढंग से लोन दे रहा है, एग्रेसिवली लोन दे रहा है इन द अनसिक्योर्ड रिटेल एंड इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस एज वेल। तो कोटक बैंक का कॉन कॉल आप सुनोगे तो आपको वो समझ में आएगा। इवन एचडीएफसी बैंक भी वही कर रहा है, अगर आप देखोगे उनका कार्ड इशुएंस, राइट, क्रेडिट कार्ड के इशुएंस विच इज लाइक कतई हाई है। So, having said all that, ये बनता है HDFC बैंक का एक रिजल्ट, ठीक है। अब आता है दूसरे सिचुएशन में कि लाइक उनका उनका मर्जर सिचुएशन क्या है, राइट। अब देखिए HDFC और HDFC बैंक का जो ये मर्जर है, राइट, अब दोनों इतने क्लीन कंपनीज, इतने सालों से अच्छे बिजनेस किए हैं, राइट, लाखों लोगों को मदद किए हैं, इनका मर्जर रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है, ये एकदम श्योरिटी है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि ये जो मर्जर है उसमें बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स है ना, बहुत सारे परमिशन लेना पड़ता है, कभी NCLT के पास, कभी इस कोर्ट में, उस कोर्ट में, ठीक है, सेबी बोलेगा, सॉरी RBI कुछ बोलेगा, इधर उधर होगा, तो इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। लेकिन श्रीनी सर ने जो कॉल में यही बोला कि लाइक अगले 1-2 महीने में विल गेट मोर क्लैरिटी कि लाइक ये मर्जर किस
मतलब एक मोर क्लैरिटी ऑन से फॉर एग्जाम्पल कब क्या होने वाला है, ठीक है? तो अभी तक के लिए कोई क्लैरिटी है नहीं, बट हैविंग सेड दैट बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि लाइक ये मर्जर हो क्यों रहा है। ये मर्जर इसीलिए हो रहा है ताकि एचडीएफसी बैंक के बुक में, बैलेंस शीट में, वो एचडीएफसी का होम लोन वाला डिविजन आ जाए, राइट? क्योंकि अगर आप देखोगे ना आईसीआईसीआई बैंक के, एक्सिस बैंक के बुक में उनका हाउसिंग, क्योंकि सोचिए ना 2020 में जब इंटरेस्ट रेट घट गया था तो हाउसिंग में जो बूम आया था वो एचडीएफसी बैंक को नहीं मिला उतना जितना आईसीआईसीआई बैंक को मिला, राइट? बिकॉज उनके बुक में 20-25-30% ऑफ द बुक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 25-30% होगा जो हाउसिंग में है, जो एचडीएफसी बैंक में है नहीं। और हाउसिंग में क्या होता है ना, आपका बोरोवर स्टिकी होते हैं, मतलब सालों से आपको ईएमआई देते हैं ना, 10 साल 15 साल 20 साल, तो इट बिकम्स इजी फॉर यू टू लाइक हैव अ डीपर रिलेशनशिप विद योर कस्टमर एंड यू कैन क्रॉस सेल अदर वेरियस प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर, राइट? मतलब जिनका हाउसिंग लोन दे दिया उनको ऑटो लोन दिया, उनको पर्सनल लोन दिया, उनके बच्चे को एडुकेशन लोन दिया एंड उनके लाइफ को आपने पूरा घेर लिया। तो HDFC बैंक का यही है बात। अब आते हैं हम तीसरे हिस्से में, जो कि है क्या हम HDFC बैंक ले सकते हैं एज ए रिटेल इन्वेस्टर। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है? सोचिए आज HDFC बैंक का रिजल्ट क्या बोला, उसका प्रॉफिट्स भी 20% से ग्रो कर रहा है, एडवांसेस भी 20% से ग्रो कर रहा है, डिपॉजिट भी 20% से ग्रो कर रहा है, और उनका एक इन्वेस्टर डे हुआ था जिसमें उन्होंने 18-19% का जिक्र किया कि आगे जाके हम ग्रो करने वाले हैं। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, अगर आप HDFC बैंक का साइज देखते हो, राइट, उनका लोन बुक है 15 लाख करोड़ का, ठीक है, उनका डिपॉजिट है 17 लाख करोड़ का, बैलेंस शीट अगर आप देखोगे 20 लाख करोड़ है, इसके ऊपर एचडीएफसी लिमिटेड का भी बैलेंस शीट आ रहा है। बाय द वे एचडीएफसी लिमिटेड कितना लोन देता है मैं आपको बता रहा हूं, मतलब होम लोन्स का बात कर रहा हूं, 7 लाख करोड़ का। तो अगर मैं सिर्फ दोनों मिक्स एंटिटी बताऊं तो कुछ 22-25 लाख करोड़ के बुक हो जाते हैं। अब ये सोचिए, देश के ऑलमोस्ट हर जगह में पहुंच चुके हैं, राइट, सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को एचडीएफसी के बारे में पता है, राइट, रिटेल को पता है, सारे शहरों में फैला चुके हैं। पॉइंट ये है कि आज आप देख रहे हो कि 20-19-18% का हम बातें कर रहे हैं, जब ये 25 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ होगा ना, तब शायद ये 15% से ग्रो करे, बिकॉज सी आपका साइज एक एनिमी बन जाता है ना, जितना बड़ा आपका साइज बनता है। तो यहां आता है वो मेन इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक रिटेल इन्वेस्टर जो छोटा चालू कर रहा है, ठीक है, लेट्स से उसके पास 1-1.5 लाख रुपए है, तो अगर लेट्स से उसने एचडीएफसी बैंक में पैसा डाला तो उसका कोई चांस ही नहीं बनेगा कि उस पैसे को 25-30 CAGR से बढ़ाए, कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज आपने खुद रिजल्ट देखे, राइट, 18% से मैनेजमेंट ही बोल रहा है कि आगे जाके एडवांसेस ग्रो करेगा, ठीक है, मर्ज एंटिटी हुआ तो ग्रो करेगा, और अगर क्रॉस सेल में अगर आप क्रॉस देखो उसके बाद आप क्रॉस सेल करके 18 को 25 नहीं कर सकते हो, 18 को आप 19-20 कर सकते हो, चलो 20% ही अगर पकड़ लो, सो 20% का बैंक हर साल में 20% से ग्रो करेगा, लेट्स से अगर आप 5 साल पहले जाते तो ये 25% से ग्रो करता था, उससे भी 10 साल जाते पहले जाते तो शायद वो थिंक 30-35% से ग्रो करता था, लेकिन आज वो 20% से ग्रो कर रहा है, 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, लेकिन मार्केट में हमें तो आगे का देखना है ना, मार्केट में हम पीछे का देख के तो शेयर नहीं खरीद सकते। तो अगर मैं एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर हूं तो मैं अगेन लाइक कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूं मैं क्या सोचता हूं, ठीक है, तो मेरा सोच यही है कि अगर मैं एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर हूं तो मैं एचडीएफसी बैंक नहीं खरीदू। आई नो बहुत सेफ्टी है, ठीक है, मतलब इससे बेटर बढ़िया बैंक हो ही नहीं सकता है, ठीक है, इंडिया का बेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक्चुअली इंडिया का बेस्ट बैंक है भैया, लार्ज डिस्टेंस, इतना सही मैनेजमेंट है, एवरीथिंग इज नाइस, ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज यहां पे आपको रात को चैन से तो नींद आएगा लेकिन उतना बड़ा पैसा नहीं बनेगा, ठीक है। ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं कि लाइक ऑफ कोर्स मेरे एस्टिमेशन में अगर कोई 15-16-17-18% से बुक को बढ़ा रहा है तो ना लॉन्ग टर्म बेसिस आपको उतने ही सीएजीआर मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट चलता है परसेप्शन और साइकोलॉजी में, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अर्निंग्स ग्रोथ को ही फॉलो करता है। सो हैविंग सेड ऑल दैट आज अगर एचडीएफसी बैंक का देखोगे तो वो नीम का इशू है, सेकेंड वो मर्जर का जो प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा, मतलब कब होने वाला है, क्या होने वाला है, उसका एक हैंगओवर है, एंड तीसरा पॉइंट है ये कि इतना बड़ा बन चुका है, इट्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोन बुक देखोगे वो तो पता नहीं 23-24 लाख करोड़ के आसपास है। अब 24 लाख करोड़ का लोन बुक, मतलब आप 20-25% से सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट? सो ये होता है बात। तो आपको ये सारे चीजें को देखना है कि लाइक ये बैंक बहुत ही अच्छा है, मैं एचडीएफसी बैंक का वापस बात कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छा बैंक है, बेस्ट इन क्लास एसेट क्वालिटी, ये एक ऐसा बैंक है ना कि आप इसको सारा ट्रैक भी नहीं करोगे ना तब भी शायद आपका पैसा बनेगा, लेकिन पैसा बनाने का जो पेस है, राइट, यहां पे वो कंसर्न है मेरा कि शायद आपका पैसा 6 साल में डबल हो, राइट, बट पॉइंट इज अगर आप बहुत छोटे चालू कर रहे हो, राइट, और अपने एचडीएफसी बैंक लेके रख दिया अपने पोर्टफोलियो में, तो
आपका स्टॉक मार्केट से कुछ सिग्निफिकेंट शायद ना बने। अब वही पॉइंट है, सिर्फ एचडीएफसी बैंक का बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईसीआईसीआई बैंक का भी बात कर रहा हूं ये, और मैं सिर्फ सपोज आईटीसी का बात कर रहा हूं ये, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का बात कर रहा हूं, कि ये लोग हर जगह फैल चुके हैं राइट। और ये लोग और आगे जाके कितने रेट से ग्रो करेगा, क्योंकि अगर आप एचडीएफसी बैंक का देखोगे उनका 7000 के ऊपर ब्रांचेस है राइट, 7000 के ऊपर ब्रांचेस, 15-20 हजार का एटीएम बन चुका है राइट। अब आप बोलोगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन डिजिटल से आपका ग्रोथ रेट डबल नहीं होने वाला है राइट, मतलब 15% सीएजीआर कैन नॉट बी अ 30% सीएजीआर ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रॉस सेलिंग अलोन। सो ये सब चीजों को आप दिमाग पर रखिए। सो आई होप दिस एचडीएफसी बैंक का वीडियो से आपको थोड़ा बहुत फायदा मिला। ऑफकोर्स लाइक मुझे ये वीडियो उतना बड़ा भी नहीं करना है, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे भी ये पता है कि लोगों का अटेंशन टाइम स्पेंड कम होता है, लेकिन फिर भी चलो 15 मिनट तो एक्सीड हो ही गया। सो ऑन दैट नोट, आपको कोई सवाल है ऑन एचडीएफसी बैंक, कोई आपको कोई इफ यू डोंट अग्री विथ मी ऑन समथिंग, कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ऑन यूट्यूब, और मुझे लिंक्डइन में पिंग कीजिए या ट्विटर में मुझे बोलिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।